उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल के मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई की है। बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने हाई कोर्ट की एक बेंच ऋषिकेश के आईडीपीएल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट के इस आदेश का बार ने भारी विरोध किया और मुख्य न्यायाधीश से इस आदेश को वापस लेने को कहा। मामले के अनुसार हरिद्वार जिले में ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल की कुछ याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इस याचिका में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी मामले में ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट को गोलापार शिफ्ट करने को गलत कदम बताते हुए कहा कि इसके लिए ऋषिकेश में आईडीपीएल की 850 एकड़ भूमि ठीक है। इसके तहत ही एक बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि आईडीपीएल ऋषिकेश में हाईकोर्ट की एक बेंच खुलती है तो यह स्वागत योग्य कदम है। एक तरफ जहां वादाकारियों को नैनीताल जाना पड़ता था, ऐसे में अगर ऋषिकेश में यह बेंच खुलती है तो वादाकारियों को इससे लाभ होगा। देखिए, कल एक सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो माननीय चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया। इनिशियली तो जब वो वीसी पे थी, राधा रतूड़ी जी और आर के सुधांशु भी उसमें जुड़े हुए थे, उसमें एक ऑर्डर हुआ कि आईडीपीएल में हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाए और एक बेंच नैनीताल में रहेगी। उसके साथ साथ ऐसा क्यों करा उन्होंने उसके कारण भी बताए चीफ जस्टिस महोदय ने, और कारण बड़े वाजिब थे। लिटिगेंट्स को लेकर के था, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को लेकर के था। जो गोलापार हाईकोर्ट शिफ्ट होनी थी वहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा कटते अगर बिल्डिंग बनती, तो इस बात पे माननीय चीफ जस्टिस महोदय राजी नहीं थी। उन्होंने आईडीपीएल को उपयुक्त स्थान पाया और कहा कि आईडीपीएल शिफ्ट कर देना चाहिए हमको हाईकोर्ट को। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, परंतु 2 बजे जब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उसका विरोध किया और सुनवाई दोबारा 2 बजे प्रारंभ हुई,